पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का ये मकसद या ये मसरफ नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे की शिकायत टीचर से करें, टीचर बच्चे की शिकायत आपसे करें। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का जो तालीमी मकसद हो सकता है वो ये हो सकता है कि टीचर की जिम्मेदारी ये है कि वो पेरेंट को अपने बच्चे पर एतमाद करने के काबिल बनने में उसकी मदद करें। अगर आप टीचर हैं, आप में से कितने लोग टीचर्स हैं, माशाल्लाह, तो आप जब पेरेंट टीचर मीटिंग करें तो आपको एक ख्याल तो ये रखिए कि बच्चे के सामने बच्चे की बात नहीं करें। दूसरा ख्याल ये कीजिए, ये पॉलिसी बना लें, उनसे कहें ठीक है अगर बच्चे आए हैं तो हम उस सेक्शन में हैं जहां पेरेंट और टीचर की बात हो रही है वहां बच्चा नहीं आएगा, बच्चे के सामने बच्चे की तालीमी कारकर्दगी डिस्कस नहीं की जाएगी, उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का और ह्यूमिलिएशन का एक्सपीरियंस होता है, बहुत तकलीफदेह एक्सपीरियंस होता है। दूसरी बात ये कीजिए कि बच्चे के बारे में कोई ऐसी बात वालदैन को बताइए जिसके नतीजे में बच्चे पर वालदैन का एतमाद बढ़े, और अगर किसी बच्चे में कोई कमज़ोरी पाते हैं तो फिर वालदैन क्या कर सकते हैं वो बताइए। बाज़ औक़ात हम सिर्फ एक जुमला बोलते हैं, इसको इस पे तवज्जो दीजिए, इसको टाइम दीजिए, इस पे तवज्जो दीजिए, और तवज्जो देने का मतलब पेरेंट्स ये समझते हैं कि एक ट्यूशन और लगवा दूं, या ट्यूशन तो चल रही है मैं भी छुट्टी लेके जल्दी आके इसके साथ और ये काम करवाऊँ।